हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये 9th के मैथ्स का आपका 10th चैप्टर चल रहा है, कंस्ट्रक्शंस। उसमें ये आपका लेक्चर नंबर 10th होगा और इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन दिया है। आपको दिया है कि आपके आपने ट्राइंगल एक्स वाई जेड ड्रा करनी है। उसमें आपके पास क्या है, एंगल वाई दिया उसने कितना होगा 30 डिग्री, एंगल जेड दिया है कितना होगा 90 डिग्री एंड तीनों साइडों का सम उसने दिया है कितना है, वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगी आपकी कंस्ट्रक्शन, जब आप ड्रा करोगे तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगी। तो पहले हम आपको ड्रा करके बताएंगे। देखो सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रा करेंगे। तो मैंने आपके लिए रफ डायग्राम पहले ही ड्रा करके रखी हुई है। ये है आपके पास डायग्राम एक्स वाई जेड और साथ में क्या दिया है आपको कि एक्स वाई मीन्स तीनों साइडों का सम। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि तीनों साइडों का सम क्या दिया है उसने। जैसे ये दिया है तो मैं इसको मान लूँगा, एक साइड बनाऊँगा ए बी इज इक्वल टू कितना 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रा करूँगा जिसकी लेंथ टोटल लेंथ कितनी बनाऊँगा मैं 11 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर आप, ये आ गया 11 है ना। तो कुछ पहले हम 11 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने ड्रा कर दी लाइन, 11 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी, जिसका मैं इस पॉइंट का नाम दूंगा ए और इस पॉइंट का नाम दूंगा बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल कितना था 30 डिग्री और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो पहले आप यहाँ पे आप वाई और जेड को मत देखो, आप देखो एंगल कितने कितने हैं, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 90 है ना। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे 30 एंगल बनाएंगे और यहाँ पे कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपको पता है कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे ये आपने इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी उसमें आपको बताया था मैंने। सबसे पहले आप सेमी सर्कल ड्रा करोगे है ना, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे कंपास रख के एक पॉइंट मार्क करोगे, ये कितना होता है 60। अब आपने क्या करना है, 60 का बाइसेक्टर ड्रा करना, क्योंकि आपको तो 30 चाहिए है ना। तो ये आ गया एक यहाँ से और एक लाइन आपकी आएगी इस पॉइंट से जो आपने आर्क ड्रा की है यहाँ से ये। तो इसको क्या करूँगा मैं, थोड़ा लेंथ ही कर दूँगा इसको, थोड़ा ज्वाइन करूँगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं टी। तो ये मेरे पास एंगल क्या आ गया, बी ए टी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कंपास खोलूंगा और 90 डिग्री का एंगल ड्रा करूंगा। कैसे, वो तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, लेकिन फिर भी देखो आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रा करोगे, फिर उसके बाद एक आर्क यहाँ पर ड्रा करोगे, दूसरा आप ये 60 और ये कितना आ गया 120 के लिए, फिर यहाँ पे आप इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रा करते हो। तो अब आपके पास पॉइंट आ गया ये और ये, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको मैं डॉटेड लाइन में ड्रा करूँगा, इसका नाम रख दिया मैंने यू। ठीक है, अपने मर्जी से नाम रख रहा हूँ, वो आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है ना। अगर बाइसेक्टर होगा तो इसका कितना 45 ड्रा करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 15, क्योंकि 30 ये पहले का, तो बाइसेक्टर 15 होगा। तो पहले हम बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, ड्रा करेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कंपास, अपनी मर्जी से आर्क ड्रा करेंगे, और दूसरी बार हम रखेंगे कंपास यहाँ पर और यहाँ से भी अपनी मर्जी से ड्रा करेंगे। अब आपके पास पॉइंट आ गया ये और ये। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस पॉइंट को, इसका बाइसेक्टर ड्रा कर लो एक बार। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मैं इस लाइन को थोड़ा ज़्यादा, अभी मैं इसको ज़्यादा थोड़ा लंबाई में थोड़ा मीन्स इसको लेंथी ड्रा कर दूँगा, थोड़ा ज़्यादा ड्रा कर दूँगा, ताकि मुझे बाद में जब मुझे रब करना है तो मैं बाद में रब कर लूँगा, जितनी सी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं कर लूँगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है आपको। तो 45 डिग्री ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार आप यहाँ पे
रखोगे कंपास, और एक बार आप रखोगे कंपास कहाँ, यहाँ पे, और ये ड्रा कर दी मैंने, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट आ गया ये, तो आप 45 डिग्री एंगल ड्रा करोगे, तो 45 डिग्री ड्रा करने के लिए आप इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, कहाँ तक करोगे, जहाँ तक ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो आगे जो लाइन है ये आपने रब कर देनी है, ठीक है, कर दी रब हमने। यो ये पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है, अब आपने इसका भी बाइसेक्टर फाइंड करना है ए एक्स, और जो बी एक्स है इसका भी बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो बाइसेक्टर कैसे फाइंड करोगे, पहले आप यहाँ पे रखो, हाफ से ज़्यादा ओपन किया आपने, मान लो यहाँ तक ओपन कर ली आपने, क्या किया एक बार यहाँ पे आर्क ड्रा कर दी, और एक बार आर्क आप यहाँ पे ड्रा करोगे। मैं थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा कर रहा हूँ आर्क ड्रा, उसके बाद मैं रब कर दूँगा जितनी सी मुझे चाहिए होगी। तो उसके बाद आपने इस पॉइंट पर भी रखनी है, तो ये आ गया एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो जो मेरे पास ज़्यादा है ये, तो मैं थोड़ा रब कर दूंगा इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्क ड्रा करोगे तो वो जब आप देखोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा पी, और ये पॉइंट आ गया मेरे पास क्यों। सिमिलरली मैं अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी के ऊपर रखूँगा और हाफ से ज़्यादा ओपन करूँगा, तो एक बार मैंने यहाँ से कर दिया, एक बार मैंने आर्क यहाँ से ड्रा कर दी, दूसरी बार क्या करूँगा इस पॉइंट पर रख के, एक बार आर्क यहाँ पर आएगी और दूसरी आर्क मेरी आएगी ये वाली, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको मैं रब कर दूँगा फिर से, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो देखो आप इनको जब आपने ज्वाइन किया तो नाम दे दिया आपने, इस पॉइंट का नाम दे दिया आर और इस पॉइंट का नाम दे दिया एस। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन जो पी के, वो आपका पॉइंट है, लाइन है, आपने पी के जो बाइसेक्टर ड्रा किया है वो कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम दे दूंगा मैं वाई, और इस पॉइंट का नाम दे दूंगा जहाँ पे ये वाला आर एस जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम दे दूंगा मैं जेड। अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई को ज्वाइन करना है, एक्स वाई को ज्वाइन किया और आपने कर देना है ज्वाइन किसको, एक्स जेड को भी। तो देखो यहाँ पे ये आपका एंगल जब आप इसको मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये कितना होगा आपके पास 30, और इन तीनों साइड का सम जितना होगा वो होगा आपका कितना 11। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन थी। तो अब हम स्टेप वाइज भी बताते जाएंगे आपको, स्टेप वाइज कैसे कैसे करना है आपने किया। सबसे पहला स्टेप है आपके पास ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी, क्योंकि आपके पास जो तीनों साइडों का सम था यहाँ पे दिया था, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना दिया था 11 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन ड्रा कर दी 11 सेंटीमीटर। दूसरा हमने क्या किया, एट पॉइंट ए ड्रा एंगल बी ए टी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एट पॉइंट बी ड्रा एंगल ए बी यू इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ए पॉइंट पे बी ए टी एंगल कितना 30 डिग्री ड्रा कर दिया, और यहाँ पे जो ए बी यू ये कितना आपने कितना ड्रा कर दिया, ये कर दिया आपने यहाँ पे एंगल ड्रा कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो ए वाला एंगल था, ये बी ए टी कितना 30 डिग्री ड्रा किया आपने, ठीक है, बी ए टी 30 और ए बी यू कितना 90। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए टी एंड एंगल ए बी यू। हमने क्या किया, ए बी टी का भी बाइसेक्टर ड्रा किया ए एक्स, और ए बी यू का भी बाइसेक्टर ड्रा किया जो बी एक्स है, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट का नाम हमने एक्स रख दिया। इसके बाद क्या किया, हमने ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स दैट इज पी क्या विच इंटरसेक्ट ए बी एट वाई, आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एक्स दैट इज आर एस विच इंटरसेक्ट ए बी एट जेड। हमने क्या किया, अब ए एक्स और बी एक्स का बाइसेक्टर फाइंड किया, ए एक्स का बाइसेक्टर ड्रा किया तो वो ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, पॉइंट वाई पे, और जब हमने बी एक्स का बाइसेक्टर ड्रा किया आर एस, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, पॉइंट जेड पे। लास्ट स्टेप है आपके पास, ज्वाइन एक्स वाई एंड वाई जेड। तो हमने एक्स और वाई को ज्वाइन किया और एक्स और जेड को ज्वाइन किया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।